अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने प्लांट किंगडम का थर्ड ग्रुप भी कंप्लीट किया था, दैट इज टेरिडोफाइटा। सो बेसिकली हमने प्लांट किंगडम के जो क्रिप्टोगैम्स हैं या जो नॉन स्पर्मेटोफाइट्स हैं, यानी कि जिनमें सीड नहीं बनता, बीज नहीं बनता, उन तीनों ग्रुप्स को कंप्लीट कर लिया है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। हमने देखा कि कैसे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, किस तरह से एल्गी जो एक थैलोफाइटा था, बिल्कुल थैलस, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, लीव एंड स्टेम, उससे ब्रायोफाइट्स बने जो अभी भी थैलस लाइक थे, ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं थे बट बेटर डिफ्रेंशिएटेड, मोर डिफ्रेंशिएटेड थे, और कैसे फिर उनसे ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम में डिवाइडेड, डिफ्रेंशिएटेड, ट्रू प्लांट बॉडी वाले टेरिडोफाइट्स बने। हमने देखा कि कैसे एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में सिर्फ होमोस्पोरस कंडीशन थी बट टेरिडोफाइट्स में पहली बार हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी देखने को मिली सिलाजिनेला साल्विनिया में, जिसके कारण से सीड हैबिट की शुरुआत के लक्षण देखने को मिले, यानी प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे और हम देखेंगे फर्स्ट सीड प्लांट, कैसे इसमें सीड एक्चुअली डेवलप हुई। यानी अब हम बात कर रहे हैं फेनेरोगैम्स की या स्पर्मेटोफाइट्स की, जो कि सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, जिसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में सीड बनेगी लेकिन फ्रूट नहीं बनेगा। भाई नॉर्मली बीज कहाँ मिलता है, जो हम फल खाते हैं उसके अंदर सीड होता है उसका, लेकिन यहाँ पर सीड तो बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा, जबकि एंजियोस्पर्म्स में सीड भी बनेगा और फ्रूट भी बनेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स करें शुरू, रेडी? चलिए, सबसे पहले तो इसका नाम देखिए, पहले इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एक सिंपल सा पॉइंट लिख लेते हैं। सो स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स क्या बोलोगे? एल्गी की स्टडी को एल्जियोलॉजी या फाइकोलॉजी, ब्रायोफाइटा की ब्रायोलॉजी, टेरिडोफाइटा की टेरिडोलॉजी, तो जिम्नोस्पर्म्स की जिम्नोस्पर्मोलॉजी। जिम्नोस्पर्मोलॉजी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद ही पता लगा लोगे। अब जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। अगर आप में से कभी कोई घूमने के लिए ठंडे इलाकों में गया हो, हिमालयन रीजन्स में गया हो, पहाड़ों की तरफ गया हो, नॉर्थ में गया हो या नॉर्थ ईस्ट दार्जिलिंग वगैरह गया हो, तो वहाँ लंबे लंबे पेड़ होते हैं और ऐसे पिरामिड शेप के, कोन शेप के, बहुत ब्यूटिफुल, वो जिम्नोस्पर्म्स ही होते हैं जिन्हें पाइनस कहते हैं। या बहुत सुंदर साइकस देखने को मिलते हैं जिसमें ऐसा मोटी सी एक स्टेम होती है, कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं, और ऊपर जैसे खजूर में होता है ना, पर खजूर नहीं, खजूर तो एंजियोस्पर्म है, इस तरह से पूरी लीव्स लगी होती हैं, वो भी जिम्नोस्पर्म है। तो पाइनस, साइकस, ये सब जिम्नोस्पर्म्स हैं। क्या मतलब है इसका, आइए इसको डिकोड करते हैं। देखिए, जिम्नो वर्ड जो है, जिम्नो, इसका मतलब होता है नेकेड, विदाउट कवर, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। यानी यहां पर सीड तो बनेगी, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है, लेकिन वो नेकेड होगी। क्या मतलब है इसका, देखो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जिनमें फ्रूट बनता है, उनकी स्टोरी आपको बताती हूँ। उनमें क्या होता है कि फ्लावर होता है, ठीक है, उसकी कहानी एक बहुत अच्छी राजकुमारी की कहानी के साथ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। तो फ्लावर जो होता है, फ्लावर में ये तो ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं कई सारे, और एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा है आपने, देखा होगा फूल में, फ्लावर की बात कर रही हूं, इस पोर्शन को ओवरी कहते हैं, ठीक है। मैं एंजियोस्पर्म्स की बात कर रही हूं, ये पूरा फ्लावर है, फ्लावर की बेस है, ठीक है, ये ओवरी है, और इसके अंदर ओव्यूल होता है जिसके अंदर हमारा एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। सब समझ में आएगा धीरे धीरे, अभी बेसिक समझो। ये एम्ब्रियो है, ये ओव्यूल है, और ये ओवरी है, ठीक है। अब यहां पे पोलन, मेल गैमिट आता है, ऐसा समझ लो, ये मेल गैमिट आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहां एग होगा, एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट यही अंदर डेवलप करेगा, ये फूल अभी भी लगा हुआ है उस पेड़ पर, तो ये जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया। तो अब क्या होता है समझना, ये जो ओवरी है ना, ये तो फ्रूट बन जाती है। तो मैं यहां लिखती हूं, जो फर्टिलाइज्ड ओवरी है, फर्टिलाइजेशन के बाद, ओवरी तो पहले भी थी इस फूल पे, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये फर्टिलाइज ओवरी ही फ्रूट बन जाती है, और इस ओवरी की एक दीवार होगी,
उसे हम फ्रूट वॉल कह देंगे या ओवरी की वॉल कह दीजिए। और जो ओवरी की वॉल है वही हमारे फ्रूट की वॉल बन जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो ओव्यूल है जिसके अंदर एम्ब्रियो है, वो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या कहलाता है, वही बीज वही सीड होता है। सो प्लीज ध्यान दीजिए, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से क्या बन गया, सीड। तभी तो बीज बोने पर न्यू प्लांट आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो है। और ऐसे ही इस ओव्यूल की भी एक वॉल है, कवरिंग्स हैं। तो वो जो ओव्यूल की कवरिंग्स हैं, हम देखेंगे इंटेग्यूमेंट कहते हैं, वो सीड की कवरिंग यानी सीड कोट बन गई। आ रहा है समझ? तो एम्ब्रियो किसके अंदर है, सीड के अंदर, और सीड किसके अंदर प्रोटेक्टेड है, फ्रूट के अंदर। ये स्टोरी है स्टूडेंट्स एंजियोस्पर्म्स की। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स, यानी यहां पर जो सीड है वो फ्रूट के अंदर कवर्ड है। जैसे अगर ये पूरा फल है, कोई फ्रूट है, तो फ्रूट के अंदर हमें सीड मिलेगी, और सीड के अंदर हमारा एम्ब्रियो है, यंग प्लांट है, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। यानी यहां पर सीड कवर्ड है फ्रूट से, या कहिए फ्रूट वॉल से, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ओव्यूल कवर्ड है ओवरी से या ओवरी की वॉल से। आया समझ में? जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर नहीं बनते, और फ्लावर नहीं होता है तो ओवरी नहीं बनती। हाँ, ओव्यूल बनेगा तो सीड बनेगी, उसके अंदर एम्ब्रियो भी होगा, लेकिन ओवरी नहीं होगी तो फ्रूट डेवलपमेंट नहीं होगा। आया समझ में? सो इसीलिए इसकी सीड जो है उसके चारों तरफ फ्रूट या फ्रूट की वॉल नहीं है, यानी ये नेकेड सीड है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए इसको लिख लेते हैं हम फटाफट से। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, दैट इज ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल। ओवरी वॉल, ओवरी कहिए या ओवरी वॉल कहिए, वो एक ही बात है। या और क्या कह सकते हैं, और ओव्यूल ही सीड बनाएगा, तो मैं क्या कह सकती हूं, सीड इज नॉट कवर्ड बाय फ्रूट या फ्रूट वॉल। आ गया समझ? ओवरी से ही फ्रूट बनना है, ओव्यूल से सीड बनना है। तो ओव्यूल तो है लेकिन ओवरी की वॉल नहीं है, क्योंकि ओवरी नहीं है। सीड तो बन रहा है लेकिन फ्रूट नहीं बन रहा, क्योंकि ओवरी नहीं है। आ रहा है समझ में? यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये इनमें सीड तो है, फ्रूट नहीं है। सो दैट इज सीड्स प्रेजेंट बट फ्रूट्स एब्सेंट, फ्रूट्स एब्सेंट, राइट? फ्रूट्स नहीं है, सीड है, फ्रूट्स नहीं है। आया समझ में? यानी इनकी सीड जो है, देखो एंजियोस्पर्म्स में क्या हो रहा है कि जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के पहले, तो उसके चारों तरफ वो कवरिंग नहीं है अभी, मतलब फ्रूट नहीं बना है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें उसके चारों तरफ फ्रूट बन गया। यानी फर्टिलाइजेशन के पहले कवर्ड नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद वो कवर्ड हो गई है अब विद इन द फ्रूट। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां की सीड जो है उसके चारों तरफ फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद भी नहीं बन रहा, क्योंकि ओवरी नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम क्या कह सकते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट बट ओवरी एब्सेंट। चाहे ऐसा लिख दो, चाहे ओव्यूल प्रेजेंट, सीड प्रेजेंट बट फ्रूट एब्सेंट, ऐसा लिख दीजिए। तो ये प्रेजेंट है बट ये एब्सेंट है। आया समझ में? तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इज, सब क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, इसलिए सब तरह से समझा रही हूं आपको, दैट इज सीड इज नेकेड या कवर नहीं है, अनकवर्ड। बिफोर तो होती ही है अनकवर्ड, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी अनकवर्ड है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसीलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल्सो सीड इज नेकेड। अब बताइए ये कैसे प्लांट्स हैं, क्या ये सीड बियरिंग प्लांट्स हैं? हाँ है। क्या ये फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं? नहीं, इनमें फूल नहीं बने। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये सीड बियरिंग, यानी बीज तो बनेगा कैसे हम देखेंगे, बट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग। फ्लावर नहीं है, ओवरी नहीं है, तो फ्रूट नहीं बनेगा, सीड बनेगा, ओव्यूल है, सीड बनेगा, लेकिन वो कवर्ड नहीं होगा बाय द फ्रूट। Is it very very clear to you? चलिए आइए।
तो अब हम इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये बताओ मुझे कि सबसे पुराना बीज वाला पेड़ कौन से है, तो आप कहोगे मैम यही है, क्योंकि इसके पहले तो टेरिडोफाइट्स हैं, वहां तो सीड बनता नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये मोस्ट प्रिमिटिव सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि ये फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स हैं। आया समझ? पहली बार इन्हीं में सीड बनेगा। और स्पर्मेटोफाइट्स को हमने फिनेरोग्राम्स भी कहा था, तो ये फर्स्ट फिनेरोग्राम्स भी हैं। इसके पहले के तीनों एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइट जो थे वो क्रिप्टोग्राम्स थे। नाउ और क्या लिख सकती हूं मैं इसी को, सब तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट प्रिमिटिव स्पर्मेटोफाइट या सीड बियरिंग प्लांट्स भी यही है, सबसे पहले सीड इन्हीं में बना है। ठीक है, चलो और कैसे लिख सकते हैं इन बातों को अपन, और क्या कहें? क्या मैं ये कह सकती हूं कि टेरिडोफाइट्स नॉन सीड प्रोड्यूसिंग थे और एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर मिलेंगे, और इसमें फ्लावर तो नहीं मिल रहे हैं लेकिन सीड बन गई है, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिंग लिंक है टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म्स के बीच में। इसमें कुछ कैरेक्टर्स टेरिडोफाइट्स के आएंगे और कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स के आएंगे, एवोल्यूशन में ये कनेक्टिंग लिंक है। जैसे ब्रायोफाइट्स एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म की कनेक्टिंग लिंक है, हम पढ़ी उस सीरियल ऑर्डर में रहे हैं। तो मैं और क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये भी, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, इसके पहले क्या है लेस एडवांस्ड टेरिडोफाइट, और इसके आगे क्या है मोर एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें पहली बार फल बनेगा, फ्रूट बनेगा, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसके जनरल कैरेक्टर्स। प्लीज नोट दिस। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ओव्यूल है पर ओवरी नहीं, और वही ओव्यूल सीड बनाएगा तो सीड है पर फ्रूट नहीं, और ऑफ कोर्स फ्लावर भी नहीं है तभी तो ओवरी नहीं है। अब आइए हम इसके जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन जनरल कैरेक्टर में लिखते हैं कि ये कहाँ मिलते हैं, हमें पता है ये जनरली कोल्डर रीजन्स में मिलते हैं। स्टूडेंट्स जब भी मैं जिम्नोस्पर्म बोलती हूँ ना, आपके दिमाग में दो पेड़ आने चाहिए, एक पाइनस और एक साइकस, दोनों के डायग्राम एनसीईआरटी में आज ही जाकर देखना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ जनरल कैरेक्टर्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कॉनिफर्स होते हैं। ऊंचे ऊंचे से मेरा मतलब, जब मैं आपको बताऊंगी आप हैरान हो जाएंगे, दुनिया का सबसे लंबा कॉनिफर जो है रेडवुड ट्री कैलिफोर्निया यूएसए में है, वो 400 फीट उसकी ऊंचाई है, 400 फीट, 6 फीट का एक इंसान इमेजिन करिए, और ऐसे ऑलमोस्ट कितने 55 लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दीजिए, उतनी हाइट है स्टूडेंट्स। वो इतना चौड़ा है, उसकी गर्थ ही 90 फीट की है, कि उसके बीच से सड़क निकाली गई है, उस पेड़ के बीच से सड़क निकाली गई है काट के, फिर भी वो लिविंग है क्यों, वो भी आपसे पूछूंगी। आप लोग एनाटॉमी पढ़ चुके हो तो आप मुझे आंसर कर दोगे। तो जस्ट इमेजिन द एक्सटेंट, कितने टॉल ट्रीज हैं। तो मीडियम साइज ट्री से लेकर टॉल ट्रीज तक ये हो सकते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे कभी नहीं होते हैं, दे आर नेवर हर्ब्स। हर्ब्स इसमें कभी 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 नहीं मिलते हैं। हर्ब्स मतलब क्या था, नॉन वुडी ट्रीज, ये वुडी ट्रीज है, इनमें लकड़ी है। इनफैक्ट दियोदर की लकड़ी जो है वो तो बहुत बढ़िया लकड़ी होती है सब ये अपना फर्नीचर बनाने के लिए, तो हाँ इसमें लकड़ी मिलती है, वुड मिलती है, और वुड में आपको बता चुकी हूँ सेकेंडरी जाइलम होता है, यानी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी तभी ये चौड़े चौड़े भी होते हैं, राइट? इनकी मोटाई भी बढ़ती है। तो आइए इन्हीं कैरेक्टर्स को हम लिखते हैं। तो पहले अगर हम बात करें इनकी हाइट के हिसाब से, तो ये कैसे होते हैं, ट्रीज होते हैं, मतलब बड़े बड़े, मीडियम साइज से लेकर मीडियम साइज ट्रीज टू टॉल ट्रीज या फिर श्रब्स होंगे। बट प्लीज नोट हेयर दैट नेवर हर्ब्स, हर्ब्स इसमें कभी नहीं मिलते हैं। एनसीईआरटी में तो ये लाइन लिखी है, बट इसका मतलब यही है, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, श्रब्स और ट्रीज तो ये हो सकते हैं, हर्ब्स कभी भी नहीं होते। अब
नेक्स्ट पॉइंट जो हमको समझना है कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी, मतलब ये जो हमें दिख रहे हैं ये डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए भाई। एल्गी गैमेटोफाइट था, टोटली हैप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी बट स्पोरोफाइट डिपेंडेंट बनने लग गया था। टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी बट हाँ एक इंडिपेंडेंट गैमेटोफिटिक स्टेज भी थी। और यहाँ मैंने बताया था स्पोरोफिटिक की तरफ जा रहे हैं हम, दिस इज मोर एडवांस कैरेक्टर। यहाँ पर अपन देखेंगे स्टूडेंट्स गैमेटोफाइट तो बहुत छोटा सा बनता है, बहुत छोटा सा, और डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पर। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ब्रायोफाइट्स में भी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट पर, टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था। यानी एल्गी में भी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है मेन प्लांट बॉडी, ब्रायोफाइट्स में भी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है मेन प्लांट बॉडी, टेरिडोफाइट्स में भी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, प्रोथैलस जिसको कहा था भले ही मेन प्लांट बॉडी नहीं है, बट अब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में बहुत चुटकू सा गैमेटोफाइट बनता है जो स्पोरोफाइट पर ही डिपेंडेंट होता है। सो प्लीज नोट, यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफाइट, और वो हमेशा डिप्लॉइड होती है जो स्पोर्स बनाएगी, हम देखेंगे कैसे। और ये डिवाइडेड रहेगी ट्रू स्टेम लीव्स एंड स्टेम में, सो रूट्स में। सो लेट मी राइट हियर, थर्ड पॉइंट हो जाएगा अफकोर्स जो टेरिडोफाइट से ही शुरू हो चुका है एक्चुअली, डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू। ट्रू मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम मिलने वाला है, स्पोरोफिटिक बॉडी पर ये बन रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं। सो ट्रू लीव्स रूट्स एंड स्टेम, तो ये कैरेक्टर तो इनफैक्ट टेरिडोफाइट से ही स्टार्ट हो गया था। नाउ अब मैं यहाँ पर वो पॉइंट लिख रही हूँ जो मैंने अभी अभी आपको बोला है, एंड दैट इज कि जो गैमेटोफिटिक बॉडी है वो इसमें बहुत छोटी होती है, रिड्यूस्ड होती है, और वो इंडिपेंडेंट नहीं होती टेरिडोफाइट की तरह। सो प्लीज नोट दैट गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स दोनों में ही इज नॉट इंडिपेंडेंट। तो फिर कैसा होता है, बहुत छोटा सा होगा, रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। अभी तक हर जगह हमें गैमेटोफाइट कैसा मिला था, इंडिपेंडेंट मिला था। फिर से रिपीट करती हूँ, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में तो वो मेन प्लांट बॉडी था तो ऑफकोर्स इंडिपेंडेंट था, और टेरिडोफाइट्स में भले ही मेन प्लांट बॉडी नहीं था बट वहाँ भी याद है उसमें खुद के राइजॉइड्स थे, खुद का फोटोसिंथेटिक था, यानी कि वो इंडिपेंडेंट था। बट यहाँ पर प्लीज नोट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूट स्टेम एंड लीव्स। स्टूडेंट्स अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जहाँ पे मैं साइकस और पाइनस के बीच में डिफरेंसेस फॉर्म में बताऊंगी, आप घबराओ मत, अभी एक बार इनको पढ़ो, फिर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि साइकस और पाइनस के बीच में सारे डिफरेंस बस एक ट्रिक से, एक सेंटेंस से आप 100% गारंटेड सब कुछ सॉल्व कर दोगे। बट अभी एक बार समझते हैं, तो रूट्स की बात करते हैं। रूट्स इनमें टैप रूट सिस्टम मिलता है, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट क्या होती है स्टूडेंट्स, किसको याद है मैंने बताया था टैप रूट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्यों डायरेक्ट है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में भी ट्रू रूट्स थी बट वहाँ एडवेंटिशियस रूट्स थी। देखो मैं कंपेयर करती जा रही हूँ, टैप रूट मैंने आपको बताया था कि अगर रेडिकल से रूट डायरेक्ट निकले तो टैप रूट, और रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकले जैसे वहाँ स्टेम से निकल रही थी तो वो एडवेंटिशियस रूट होती है। सो लेट मी राइट हेयर दैट रूट एक प्राइमरी रूट होगी और फिर उसकी सेकेंडरी टर्शरी रूट्स, पूरा सिस्टम जो है टैप रूट सिस्टम अराइज फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, राइट। तो जो रेडिकल से निकले वो टैप रूट, तो इनमें टैप रूट ही मिलती है। अब सब में पाइनस साइकस सब में, अब इनके रूट्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और वो है रूट एसोसिएशन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप खुद ही मुझे फट से बता दोगे अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है। जो पाइनस होता है लंबे लंबे कॉनिफर वाला पाइनस, उसकी जो रूट्स होती हैं उनमें फंजाई रहते हैं दोस्त की तरह, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन होता है जहां पर ये पेड़ जो है फंजाई हेटरोट्रॉफिक है, खाना खुद नहीं बना सकते, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। तो पेड़ जो है वो उसको शेल्टर दे रहा है, उसकी रूट्स में वो फंजाई है तो उसको शेल्टर दे रहा है और उसको खाना दे रहा है, ऑफकोर्स जो फूड है वो बनाकर दे रहा है जो प्लांट है, ये पाइनस।
और फंजाई क्या कर रहा है, फंजाई में ऐसे हाइफी होते हैं माइसीलियम, तो सरफेस एरिया बढ़ा देंगे वो ताकि ज्यादा वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करवाएं वो फॉर द प्लांट। तो उसे हमने क्या कहा था, फंगस और हायर प्लांट जिम्नोस्पर्म की दोस्ती, जिसका नाम हमने दिया था माइकोराइजा। वेरी गुड। माइको, माइको मींस फंजाई, और राइजा, राइजा वर्ड रूट के लिए यूज करते हैं। तो पहला एसोसिएशन जो पाइनस में मिलता है माइकोराइजा, ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक का मतलब हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, जहां दोनों को बेनिफिट होता है, प्लस प्लस, म्यूचुअलिज्म भी कहा था हमने इसे। सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ पाइनस रूट्स विथ फंजाई, इसकी डिटेल्स हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी, और फंजाई में भी जनरली बेसिडियोमाइसिटीज आपको बताया था याद हो तो। सो पाइनस और फंजाई, ठीक है, पेड़ खाना और रहने की जगह देगा और फंगस बदले में वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा। नाउ वहीं पर हमने एक और डिस्कस किया था कोरालॉइड रूट्स, साइकस की जो कोरालॉइड, साइकस में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तो मेन टैप रूट तो बनती है, ठीक है, इन्हीं टैप रूट के जाल में ये फंस जाते हैं फंगस, ये माइकोराइजा बन गया, तो रूट तो एक ही टाइप की है पाइनस में। साइकस में क्या होता है, एक तो मेन टैप रूट तो है ही, कुछ स्पेशल रूट्स ने ऐसी गांठे गांठे जैसी, जैसी अदरक लाते हैं ना अपन घर पे, ऐसी गठान जैसी, ऐसी हो जाती हैं, और वो रूट्स जो हैं उनमें ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, एनाबीना, नॉस्टॉक, वो प्रेजेंट रहते हैं। तो वो क्या हेल्प करते हैं इस साइकस के पेड़ के लिए, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, यानी कि जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि फिर उससे पेड़ जो है वो प्रोटीन्स वगैरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकें। राइट, सो लेट मी राइट हियर, क्या मिलते हैं, कोरालॉइड, कोरालॉइड रूट्स ऑफ साइकस, सी से कोरालॉइड, सी से साइकस। सो कोरालॉइड रूट ऑफ साइकस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एसोसिएशन विथ विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, इसकी डिटेल्स भी हमने पढ़ी थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, एनाबीना नॉस्टॉक, मैं नाम नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो अगेन वो ब्लू ग्रीन एल्गी को रहने की जगह मिलेगी और बदले में वो इसको नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि माइकोराइजा पाइनस रूट्स में मिलेगा एसोसिएशन, और कोरालॉइड रूट साइकस की होती है, सी से साइकस, सी से कोरालॉइड रूट्स। नाउ यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि साइकस जो है उसमें टू टाइप्स की रूट हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। पाइनस में तो एक ही टाइप की, उसी में फंगस रह रही है, इसमें दो टाइप की हो गई, एक तो नॉर्मल जो टैप रूट है और एक कोरालॉइड रूट है, क्लियर, कोरालॉइड रूट, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब हम आते हैं स्टेम पे, तो सिक्स पॉइंट। नाउ स्टेम जो होती है स्टूडेंट्स, देखो कैसी होती है, अगर मैं पाइनस की बात करूं तो एक ये जैसे मेन स्टेम है, ठीक है, ऑफकोर्स रूट होगी, मैं वो नहीं बना रही हूं अभी, ये टैप रूट भी होगी, ऐसे पूरा सिस्टम होगा, और साइड में ब्रांचेस भी होती हैं स्टूडेंट, जिसमें ऐसे लाइक दिस, ये पत्तियां नहीं है, ये ब्रांचेस हैं, इन पर फिर लीव्स लगेगी। तो आप देखो ये ऐसा कोन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तभी तो इन्हें कॉनिफरेल्स में डालते हैं, कॉनिफर, पिरामिड शेप का। ये मैंने पाइनस बनाया है, तो पाइनस की जो स्टेम है वो कैसी है, ब्रांच्ड स्टेम है, ये तो मेन स्टेम है, मेन स्टेम, और ये ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस भी देखो कैसी हैं, ऐसी भी तो हो सकती थी ना ये ब्रांच, ये छोटी और ये बड़ी, ऐसी नहीं होती है, जो ओल्डर एंड लॉन्गर ब्रांचेस हैं वो नीचे हैं, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं नई नई ब्रांचेस आ रही हैं, इसे बोलते हैं एक्रोपीटल ब्रांचिंग, एक्रोपीटल ब्रांचिंग। पाइनस में, इवन सेड्रस में स्टूडेंट्स, सेड्रस में ये सब कॉनिफरेल्स हैं, कॉनिफर्स हैं, कोन शेप के, तभी इनका नाम रखा गया इसी कारण से। जबकि अगर हम साइकस देखेंगे तो साइकस में क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, नीचे रूट्स होंगी, यहाँ कोरालॉइड रूट्स होंगी, वो सब मैं नहीं बना रही हूँ, ये स्टेम है, तो स्टेम में कोई ब्रांचिंग नहीं होती, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, बस यहाँ पर इसके लीव्स लग जाती है, जैसे कोकोनट में होता है, लाइक दिस,
नो ब्रांचेस, राइट, ये साइकस है, अनब्रांच्ड। तो इसी पॉइंट को हम लिखते हैं कि स्टेम जो है, मैं ट्रिक से लर्न करवा दूंगी बट अभी एक बार समझना है, याद करना है, अनब्रांच्ड है साइकस में, सीधे सीधे दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और ब्रांच्ड है वो भी एक्रोपिटल मैनर में इन पाइनस एंड सेड्रस। तो रटने की जरूरत नहीं है, अगर हमने डायग्राम समझा है, हमें पता है पाइनस सेड्रस कॉनिफर्स हैं और कॉनिफर्स हैं, तो इस तरह की ऑफकोर्स ब्रांचिंग मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीव्स। अब लीव्स जो हैं वो भी दो तरह की हो सकती है, समझना। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल लीफ हो सकती है, सिंपल लीफ मतलब ये लीफ, ये सिंपल लीफ है, या कंपाउंड लीफ हो सकती है। ये सब हमने मॉर्फोलॉजी में अच्छे से समझा हुआ है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, ये मिडरिब है और ऐसी कटी हुई, ये ऐसी है पत्ती, तो ये पूरी तो एक लीफ है और ये इसके लीफलेट्स है, लीफलेट्स है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि गुलाब में वो जो पत्ती होती है उसकी, वो एक लीफ है, दिखती ऐसी है जैसे वो पांच लगी हुई है बट वो एक लीफ होती है, वो लीफलेट्स होती है, जैसी कटी हुई, तो कंपाउंड। तो इसमें दोनों तरह की मिल सकती है, सिंपल भी कंपाउंड भी। यहां पे ध्यान देना, साइकस के अंदर पिन्नेट लीफ मिलती है ऐसी वाली, और वो काफी समय तक जिंदा रहती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम ट्रिक से भी याद करेंगे। सो इन साइकस पिन्नेट लीव्स, यानी कंपाउंड लीव ही है, पिन्नेट लीव्स सर्वाइव फॉर ईयर्स। तो आपको क्या याद रखना है कि साइकस में पिन्नेट लीव्स मिलती है, ठीक है, यानी कंपाउंड लीव्स मिलती है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है लीव्स से ही रिलेटेड, कि दो टाइप की लीव्स मिलती हैं। फिर से मैं बोल रही हूं, मतलब मैं यहां लिखती हूं इसको, रुकिए, कैसे। एक तो होती है स्टूडेंट्स जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ है, उसे फोलिएज लीव्स कहते हैं, फोलिएज लीव्स दोनों में मिलेंगे, फोलिएज लीव्स मतलब फोलिएज, जो नॉर्मल लीव्स है ग्रीन फोटोसिंथेटिक। और एक लीव्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, उन्हें स्केली लीव्स बोलते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव। अभी तक हमने ऐसा फीचर कहीं नहीं पढ़ा, ध्यान देना, इसमें भी स्केली, देखो यहां पे कहां रहती है, पाइनस में स्केली लीव्स, यहां पे मेन इस पे स्केली लीव्स रहती है लाइक दिस, यहां पे भी इसकी जो ब्रांचेस है इस पे भी स्केली लीव्स रहती है, ये सब स्केली लीव्स है। फिर फॉलिएज लीव्स कहां होती हैं स्टूडेंट्स, यहां ऐसे लाइक दिस, ऐसे लगी रहती है, ये ग्रीन वाली लीव्स है। मैं बनवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, फिर से बनाएंगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो ये फॉलिएज लीव्स है, ये ब्रांचेस पर लगी है, देखो मेन स्टेम पे नहीं लगी हुई है, और मेन स्टेम और ब्रांचेस दोनों पे जो ये लगी हुई है, ये प्रोटेक्टिव स्केली लीव्स है। ऐसे ही यहां पर ये वाली ग्रीन फोटोसिंथेटिक यानी फॉलिएज लीव्स है, जो ऐसे क्राउन की तरह अटैच्ड है, टोपी की तरह, और इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, कॉडेक्स, कॉडेक्स अरेंजमेंट है ये, हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है हमने, कॉडेक्स। साइकस की बात कर रही हूं। अब स्केली लीव्स कहां होती है, पूरी स्टेम को ना ऐसे ढकती रखती है ये प्रोटेक्शन के लिए, हार्ड सी दिखती है, ये स्केली लीव्स है स्टेम पर। तो प्लीज नोट करिए, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रुप है जिसमें टू टाइप की लीव्स मिलती हैं, फोलिएज एंड स्केली, जिम्नोस्पर्म्स। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ कोनिफर्स में क्या होता है, ये जो कोनिफर्स हैं इनकी जो ये लीव्स है ना, फोलिएज लीव्स, ये नीडल लाइक होती है, पतली पतली। तो मैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखती हूँ लीव्स से ही रिलेटेड, अभी हम लीव्स में ही चल रहे हैं। सिंपल कंपाउंड हो गया, फॉलिएज एंड स्केली टाइप के हो गए, ये तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ये पूरा एक है या कट लग गए हैं, और ये उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पर हो गया। नाउ कॉनिफर्स में क्या होता है, कॉनिफर्स चाहे वो पाइनस हो सिड्रस हो, इसमें नीडल शेप्ड लीव्स होते हैं, और इसको समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। क्यों होगा, कॉनिफर्स जो है पाइनस वगैरह ये ठंडे इलाकों में रहते हैं, अब वहां पे पानी कम होता है, वहां पे बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है। अब मान लीजिए कि ये लीफ है
और इस पे बर्फ गिरी तो ये तो टूट ही जाएगा पत्ता उसके वेट से, पर मान लो ऐसी नीडल जैसी है तो एक तो सरफेस एरिया कम है, कम डैमेज होगा, और दूसरा बर्फ जो है वो ऐसे फिसल जाएगी। तो नीडल शेप की तो रटने की जरूरत नहीं है। कॉनिफर्स मतलब पाइनस जो हमें पहाड़ी इलाकों में मिलता है, ठंडे इलाकों में मिलता है जहाँ पानी की कमी है, तो ध्यान देना बर्फ है पर पानी नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, सो वाटर की डेफिशिएंसी है, उस कारण से ये नीडल लाइक हो गई है, राइट। तो अब मैं जो पॉइंट लिख रही हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं इस पार्ट को रब करती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज एक सेकेंड कि जहां पर जो कोल्डर एरियाज में मिलने वाले ट्रीज हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनकी जो लीव्स हैं उसमें कुछ अडेप्टेशंस होंगे ताकि वो उस जीरोफिटिक ड्राई कंडीशंस को सरवाइव कर सके। सो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ही गया है, अब हम लीव्स में ही नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, दैट लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, सब क्वेश्चन है, आर adaptive to, यानी झेल सकते हैं, are adaptive to extreme temperatures, बहुत ठंडा, बहुत cold, humid conditions, very very important, और क्यों, आइए इसके points लिखते हैं। So A point मैं यहां लिख देती हूं, यहां why A point, एक तो इनका सरफेस एरिया कम होता है, जैसे नीडल लाइक हो गई तो सरफेस एरिया कम हो गया, सो रिड्यूस सरफेस एरिया, ये एक अडेप्टेशन है इनके अंदर, ऐसी बड़े बड़े पत्ते नहीं मिलेंगे, रिड्यूस सरफेस एरिया। नाउ नंबर टू, इनमें थिक क्यूटिकल होती है, अगेन प्रोटेक्शन के लिए, सो थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या पढ़ा था हमने, याद है आपको, एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है, सो थिक क्यूटिकल ओवर एपिडर्मिस। तीसरा, हम नहीं चाहते कि इस पत्ती से वाटर का लॉस ज़्यादा हो, यानी ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब पानी भाप बनकर वेपर बनकर उड़ता है, हम नहीं चाहते कि उस लीफ में से वाटर वेपर बन के उड़े, ट्रांसपिरेशन हो, तो हम क्या चाहेंगे कि इसकी स्टोमेटा अंदर धसे हुए हों ताकि वो ज़्यादा वाटर का लॉस ना करें, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाए। सो प्लीज़ प्लीज़ नोट, संकन स्टोमेटा, और संकन स्टोमेटा क्यों है, सेम वही, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन या लॉस ऑफ वाटर, या लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, एक ही बात है। ये जीरोफिटिक प्लांट्स में भी होता है, जो डेजर्ट वाले प्लांट्स है जिनमें कैक्टस आता है उनमें भी यही होता है, ये सब कुछ होता है। उनमें क्या होता है, कैक्टस में कांटे मिलते हैं, वो कांटे क्या है, वो लीव्स ही तो है, पत्तियां ही तो है, स्टेम वहां पर ग्रीन कलर की हो जाती है, जो हरा रंग दिखता है वो स्टेम है जो फोटोसिंथेसिस करता है, और पत्तियां जो हैं वो कांटे बन जाती हैं, तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, थिक क्यूटिकल होता है, और संकन स्टोमेटा हो गए, ताकि हम जो है जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है उसको रोक सके, ताकि वो इन लेस वाटर की जो कंडीशंस हैं उनमें अच्छे से सरवाइव कर सके। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, टू सरवाइव जीरोफिटिक कंडीशंस। तो आप ऐसा मत सोचो कि जीरोफिटिक कंडीशंस जो है वो केवल मरुस्थल या डेजर्ट में ही होती है, इवन ठंडे इलाके में, कोल्डर एरियाज में भी, जहां भी पानी की कमी है वो जीरोफिटिक कंडीशन ही कहलाएगी। हालांकि यहीं पर मैं एक पॉइंट लिख रही हूं, लीव्स के अंडर एक पेड़ है स्टूडेंट्स, गिंगो बाइलोबा, उसकी पत्ती जो है वो ऐसी होती है, उसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में हम बनाएंगे, ऐसी फैन शेप की होती है, थोड़ी ऐसी फैली हुई लार्ज सर्फेस एरिया वाली, सबसे एंशियंट प्लांट है ये जो जिंदा है, बाकी सब इसके साथ के खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हम पढ़ेंगे बाद में। सो लेट मी राइट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिंगो बाइलोबा हैज फैन शेप्ड लीव्स, इसका डायग्राम भी है एनसीईआरटी में, वी विल टॉक अबाउट इट, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा रूट्स में टैप रूट सिस्टम है, सब में, पाइनस साइकस सब में, लेकिन पाइनस में माइकोराइजल एसोसिएशन मिलेगी और साइकस में कोरलॉइड रूट्स मिलेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में। स्टेम जो है वो ब्रांच्ड होगी पाइनस सेड्रस में और अनब्रांच्ड होगी साइकस में। लीव्स जो है वो सिंपल या कंपाउंड हो सकती हैं और वो दो टाइप की होंगी, फोटोसिंथेटिक ग्रीन फोटोसिंथेटिक फॉलिएज लीव्स और स्केली लीव्स जो प्रोटेक्टिव लीव्स हैं। और लीव्स कॉनिफर्स की अगर हम बात करें तो नीडल लाइक है, जबकि यानी सिंपल लीफ है, जबकि
जो साइकस है उसमें पिन्नेट लीव्स हैं, और ये नीडल लाइक लीव्स क्यों हैं, क्योंकि इन्हें जीरोफिटिक कंडीशंस के लिए अडेप्टेशन करना है, तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, थिक क्यूटिकल होगा और संकन स्टोमेटा होंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीव्स, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, यहां पर हमने स्पोरोफाइट की मेन प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स को स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि भाई इनको जो फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए क्या चाहिए, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम, तो वो होता है कि नहीं होता है, तो आप मुझे बताइएगा होता है कि नहीं होता। आई थिंक इट विल बी पॉइंट नंबर 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 8 आई थिंक, आप चेक कर लेना। सो लेट्स टॉक अबाउट वस्कुलर टिश्यू। ऑफकोर्स वस्कुलर टिश्यू कहाँ से बन गए हैं, टेरिडोफाइट से, वो फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स थे, तो बिल्कुल यहां तो होंगे, बल्कि और अच्छे डेवलप हो जाते हैं। सो वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू, और वस्कुलर टिश्यू दो तरह का होता है, हमें पता है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, अब मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। बिल्कुल टेरिडोफाइट्स की तरह इसके जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होंगे, हालांकि हम पढ़ेंगे यहां पर एक्सेप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन पढ़ा रही हूं मैं यहीं पर, जो सबसे एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिसके बाद एंजियोस्पर्म्स आए, नीटेल्स जिसमें इफिड्रा आता है, नीटम आता है, उनमें वेसल्स मिलते हैं। अभी बस ध्यान रख लीजिए, एक्सेप्ट नीटेल्स, इनमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है, मोस्ट एडवांस्ड वाले हैं ये। और यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, सब में, सारे जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट। ये हमें कहां मिलेंगे जाकर, एंजियोस्पर्म्स में। तो फ्लोएम में किसके थ्रू होता है, सीव सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और जाइलम में ट्रैकीड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जस्ट लाइक टेरिडोफाइट्स, ठीक है। अब यानी ये ट्रेकियोफाइट्स है। अब जब भी हम जाइलम की बात करते हैं तो हाथ के हाथ आप बात कर लो सेकेंडरी जाइलम की। सेकेंडरी जाइलम मतलब अगर सेकेंडरी ग्रोथ है तो सेकेंडरी जाइलम बनेगा, और सेकेंडरी जाइलम को ही लकड़ी कहते हैं, वुड, तो वो वुडी प्लांट होगा। ये फैक्टर, ये कैरेक्टर टेरिडोफाइट्स में नहीं था, वो नॉन वुडी प्लांट्स थे, वहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती थी, इसलिए उनकी चौड़ाई नहीं थी, दुबले पतले से थे वो, चाहे वो कोई भी हो, साल्विनिया, सेलाजिनेला, सब अपन ने देखे थे, फर्न्स जितने भी हैं, बट यहां ये कैरेक्टर चेंज हो गया है। सो यहां पर प्लीज नोट, सेकेंडरी जाइलम बनेगा, यानी सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, पेड़ मोटा भी होगा, एंड सो दे आर, दैट मींस जिम्नोस्पर्म्स आर वुडी, इनमें लकड़ी मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वुड हमेशा सेकेंडरी जाइलम होता है, ये हमने बहुत अच्छे से एनाटॉमी में पढ़ा है। सो ये एक और डिफरेंस हो गया टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में। नाउ इसको नोट करो, और फिर अब मैं आपको असली जो मेन बेसिक है, जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं, जो कभी समझ में नहीं आती हैं, बट हम उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझेंगे, आई गारंटी यू आप कभी नहीं भूलोगे, उसको हम समझते हैं। सो प्लीज नोट दिस। नहीं नहीं एक काम करते हैं ना, एक और पॉइंट लिखते हैं अपन, फिर अपन आगे मूव करेंगे, ठीक है, चलो। क्योंकि हम जाइलम से ही बात कर रहे हैं, तो जाइलम हो गया, लकड़ी हो गई, अब लकड़ी की बात करते हैं। देखो दो तरह की वुड होती है, ध्यान देना, इसकी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको एनाटॉमी में पढ़ाऊंगी, मैनोजाइलिक वुड, और एक होती है स्टूडेंट्स पिकनोजाइलिक वुड, समझना। देखो जाइलिक वुड तो याद हो जाएगा, क्योंकि जाइलम वुड सेकेंडरी जाइलम होता है। अब इसका क्या मतलब है, प्लीज नोट, जाइलम में तीन चीजें होती हैं, ट्रैकीड्स, पैरेन्काइमा जो लिविंग टिश्यू है, और स्क्लेरेन्काइमा जो फाइबर्स हैं। तो ट्रैकीड्स और फाइबर्स ये दोनों डेड हैं, और जो पैरेन्काइमा है वो लिविंग टिश्यू है। अब मैनोजाइलिक में क्या होता है, ध्यान देना, इसमें ट्रैकीड्स और फाइबर्स कम होते हैं, लेस, यानी जो डेड वाला कॉम्पोनेंट है वो कम होता है, और जो लिविंग कॉम्पोनेंट है यानी पैरेन्काइमा वो ज्यादा होता है, ये लिविंग कंपोनेंट है, ये ज्यादा होता है, ठीक है। और इनमें ठीक उल्टा होता है, इनमें ट्रैकीड और फाइबर्स यानी डेड वाला कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और पैरेन्काइमा कम होता है,
आप समझिएगा समझिएगा। सपोज करो कि मैंने एक ऐसा पेड़, जैसे साइकस की बात करें, उसमें मैनोजाइलिक वुड मिलता है। इसका क्या मतलब है? उसका जाइलम लिया अपन ने, उसकी लकड़ी ली, और उसकी लकड़ी से मुझे फर्नीचर बनाना है। तो नेचुरली जैसे ही मैंने उस लकड़ी को पेड़ से अलग किया, तो जो लिविंग वाला पैरेन्काइमा टिश्यू है, अब उसको तो खाना पीना मिलेगा नहीं, तो वो भी मर जाएंगे, वो सेल्स मर जाएंगे। यानी ट्रैकीड्स और फाइबर तो थे ही डेड, अब पैरेन्काइमा भी डेड हो गया। अब समझना, सपोज करो कि ये वो लकड़ी है और ये खूब सारा यहाँ पैरेन्काइमा था, और अब ये डेड हो गया, तो ये तो खाली जगह हो गई ना, तो ये लकड़ी तो खोखली हो गई। अब बताओ ये ज़्यादा ड्यूरेबल है कि कम ड्यूरेबल है? मैं इसे फर्नीचर बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ? नहीं बनाइए। जबकि यहां पिक्नोजाइलिक में क्या होगा, यहां तो थोड़ा सा ही पैरेन्काइमा था, ऑफ कोर्स डेड हुआ जैसे आपने लकड़ी ली फर्नीचर बनाने के लिए, पर इनसे इतना फर्क नहीं पड़ा, ये मोर ड्यूरेबल है। तो रटना नहीं है, ध्यान रखो, जहां लिविंग टिश्यू ज्यादा है वो लेस ड्यूरेबल होगी, और जहां लिविंग टिश्यू कम है वो मोर ड्यूरेबल होगा। तो फर्नीचर मेकिंग में मैनोजाइलिक वुड काम आती है, ना कि पिक्नोजाइलिक। सो प्लीज नोट, अब मैं यहां पर लिखती हूं, पैरेन्काइमा ज्यादा है, लिविंग ज्यादा है, तो इसमें छेद बड़े बड़े हो जाएंगे, यानी ये लेस ड्यूरेबल है, और ये मोर ड्यूरेबल लकड़ी है, ये ज्यादा समय तक चलेगी, और इसीलिए इसे यूज करेंगे फर्नीचर मेकिंग में। फर्नीचर मेकिंग, और प्लीज नोट करिएगा कि यहां पर एग्जांपल है साइकस। अब एक ट्रिक से भी मैं आपको लर्न करा दूंगी साइकस, और यहां पर एग्जांपल लिखते हैं पाइनस, तो पी पी से आप याद रख सकते हो, पी पाइनस में पिक्नोजाइलिक है। क्लियर? इसको नोट डाउन करिए। इतना क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने देखा कि साइकस जो है उसकी ब्रांच अनब्रांच्ड है, आई मीन स्टेम अनब्रांच्ड है, कोरलॉइड रूट्स उसमें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, उसमें मैनोजाइलिक वुड मिल रहा है, और तीन पॉइंट्स हमने देखे है ना, जो जो उसको उससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पाइनस से, और साइकस में पिन्नेट लीव्स मिल रही हैं। अब हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनमें स्पोर्स कितने तरह के बनते हैं। हमें पता है स्टूडेंट्स, एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में सारे होमोस्पोरस है, एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं, बट पहली बार हेटरोस्पोरी हमें टेरिडोफाइट्स में देखने को मिली, बट मोस्टली टेरिडोफाइट्स जो हैं वो होमोस्पोरस है, कुछ हेटरोस्पोरस है सिलाजिनेला साल्विनिया की तरह। अब यहाँ क्या सिचुएशन है समझिएगा, ऑल जिम्नोस्पर्म्स, बताइए क्या लिखूं, मोर एडवांस कैरेक्टर कौन सा था? हेटरोस्पोरी। सो ऑल आर हेटरोस्पोरस, ऑल जिम्नोस्पर्म्स भी एंजियोस्पर्म्स में भी यही पॉइंट लिखेंगे। अब समझना, हेटरोस्पोरस का मतलब टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, लिखवा दो फटाफट से, चलो कौन कौन से हो जाएंगे? छोटे वाले जो हैं, जो मेल गैमेट बनाएंगे फाइनली, माइक्रोस्पोर्स, स्मॉलर है ये, मेल है, और दूसरे जो बड़े हैं, बड़े हैं तो मैक्रो या मेगा स्पोर्स, ठीक है, लार्जर एंड फीमेल। अब मुझे बताओ स्पोर्स कहां लगते हैं? स्पोर्स किससे बनते हैं? स्पोर मदर सेल से, ध्यान से सुनना, मियोसिस के थ्रू। स्पोर मदर सेल्स कहां प्रेजेंट होता है? स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया कहां लगे होते हैं? स्पोरोफिल्स के अंदर, वो जो पत्तियां हैं। और मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइट्स में, लाइकोप्सिडा में और स्फिनोप्सिडा में, इनमें ये जो पत्तियां हैं ये एग्रीगेट होके कोन जैसा बना लेती हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कभी ठंडे इलाकों में गए हो तो वहां से आप लोग ज़रूर वो एक लकड़ी जैसा, ऐसा कोन जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो लेकर आए होंगे, कई लोग अपने घर में भी सजाते हैं उसको। वो कोन है, मेल एंड फीमेल कोन। कोन मतलब वो लकड़ी नहीं है, वो पत्तियाँ हैं, स्पोरोफिल्स हैं, उनमें स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर मदर सेल्स हैं, स्पोर मदर सेल्स, उनसे स्पोर्स बनते हैं जो फिर गैमेटोफाइट बनाते हैं। आ रहा है समझ में? आपने पेड़ों में अलग से लटके हुए देखे होंगे ऐसे लकड़ी के, कई बच्चे लेकर, सभी लेकर आते हैं, हम भी लेकर आए थे जब गए थे। सो माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर्स जो हैं ये किससे बन रहे हैं, ध्यान से सुनो, दे आर फॉर्म्ड बाय स्पोर मदर सेल्स।
बाय मियोसिस, चाहे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल हो चाहे वो मेगास्पोर मदर सेल्स हो। और ये जो मदर सेल्स हैं ये कहां प्रेजेंट है? इनसाइड स्पोरेंजिया, चाहे वो माइक्रोस्पोरेंजिया हो चाहे वो मेगास्पोरेंजिया हो। और स्पोरेंजिया कहां लगे हुए हैं? दे आर बॉर्न ऑन पत्तियां, स्पोरोफिल्स, फॉलिएज वाली ही लीव्स हैं, लेकिन जो स्पेशली जिन पे स्पोरेंजिया लगने लग गया उन्हें स्पोरोफिल्स बोल दिया। सो दे आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स। और स्पोरोफिल्स जो हैं, स्पोरोफिल्स चाहे माइक्रो चाहे मैक्रो वाले स्पोरोफिल्स एग्रीगेट टू फॉर्म कोन और स्ट्रॉबिलस। यानी कि अगर मुझे स्पोर ढूंढने हैं तो मैं कैसे ढूंढ सकती हूं? देखिए समझिएगा, जैसे सपोज करो ये पाइनस का पेड़ है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, और यहां पर ये वो लीव्स हैं। तो यहां की जो लीव्स हैं, कुछ लीव्स अगर यहां पर कोन लग बनना है तो यहां पर ऐसा कोन जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा मेरे को। ये लीव्स हैं, ये एग्रीगेट हो गई हैं, मैं इसे कट करूंगी तो इसके अंदर मुझे स्पोरेंजिया मिलेगा, जिसके अंदर मुझे स्पोर मदर सेल मिलेंगे जो मियोसिस करेंगे और स्पोर बनाएंगे। तो स्पोर कहां बन रहा है? इस स्पोरेंजिया के अंदर जो इस कोन के अंदर है। एक्चुअली कैसा दिखता है, जैसे सपोज ये लीफ ये बना रही हूं मैं, तो यहां पर ये जैसे मिड एक्सिस है, ठीक है, और ये स्पोरोफिल्स हैं, पत्तियां हैं वो, इन्होंने मिलकर ये एक कोन बना लिया है, ये पूरा एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है लाइक दिस। तो इन स्पोरोफिल्स पर ये स्पोरेंजिया हैं, इनमें स्पोर मदर सेल्स हैं जिनमें स्पोर्स बन रहे हैं। आ रहा है समझ में? डायग्राम पे मत जाइए, समझाना इंपॉर्टेंट है आपको। तो कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनमें एक ही पेड़ पे मेल और फीमेल दोनों कोन्स बनते हैं, और कुछ ऐसे हैं जहां पर मेल कोन अलग पेड़ पे लगेगा और फीमेल कोन अलग पेड़ पे लगेगा। यानी कि डायोशियस और मोनोइशियस वाली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहां पर पहले वो चीज लिख देती हूं कि डिपेंडिंग अपॉन कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ऑफकोर्स यानी जो स्पोरोफिल्स हैं वो अलग अलग पेड़ पे हैं या एक ही पेड़ पे, दो तरह के जिम्नोस्पर्म्स हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स डायोशियस और डायो मीन्स यूनिसेक्सुअल हैं, ये दो पेड़ों की जरूरत पड़ेगी इसमें, यूनिसेक्सुअल यानी कि अलग अलग, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट बॉडी। यानी एक पेड़ पे देखोगे तो आपको सिर्फ मेल कोन दिखेगा, एक पे देखोगे सिर्फ फीमेल कोन दिखेगा। कोन मतलब, फिर से बोल रही हूँ, उसके अंदर स्पोरेंजिया है, उसके अंदर स्पोर मदर सेल है, उसके अंदर स्पोर बनेगा, वो स्पोर ही गैमेटोफाइट बनाएगा और गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, उससे गैमीट्स बनेंगे। तो एक पेड़ पे मेल गैमीट बनेगा, एक पेड़ पे फीमेल गैमीट बनेगा, अलग अलग, दोनों में अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स हैं, या ये कहें मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट, कैसे भी लिख दो सब बात एक ही है, कोन्स लिख दो, सेक्स ऑर्गन लिख दो, गैमीट्स लिख दो, सब एक ही बात है, डिफरेंट पे हैं, अलग अलग। और सेकेंड सिचुएशन बनी जहां पर मोनोइशियस, एक ही पेड़ पर दोनों हैं, मोनो या बायसेक्सुअल, एक ही पेड़ पर है मेल और फीमेल, उस पर आपको मेल कोन्स भी दिख जाएंगे, फीमेल कोन्स भी दिख जाएंगे। यानी कि मैं यहां पर लिखती हूँ प्रेजेंट ऑन बोथ द कोन्स या बोथ द सेक्स ऑर्गन्स, दे आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट बॉडी। प्लीज नोट, अब इनके एग्जाम्पल अभी तो याद कर लो, फिर मैं ट्रिक से लर्न करवा दूंगी। यहां पर है साइकस का एग्जाम्पल, साइकस डायोशियस है और ऑफ कोर्स पाइनस हम लिख देंगे मोनोइशियस। मतलब पाइनस का पेड़ देखोगे ना तो एक ही पेड़ पे आपको दोनों कोन्स दिखेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल एरर है स्टूडेंट्स, इसको नोट करो, फिर मिलते हैं, राइट तो वो हमें ट्रिक से भी याद हो जाएगा अभी थोड़ी सी देर में। नाउ अब हम देखते हैं, या चलो मैं ट्रिक लिखवा देती हूँ, हालांकि एक कैरेक्टर अभी बचा है, ट्रिक फॉर साइकस। साइकस में जो भी पढ़ाया है आपको अभी सब याद हो जाएगा, देखिएगा ट्रिक फॉर साइकस। ट्रिक है,
साइकस नाम का एक लड़का है जिसे मैंने पकड़ा, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है तो मैंने उसे पकड़ा। तो आइए देखिए, मैंने पकड़ा, अब पकड़ा को मैं ऐसे लिख रही हूँ, पकड़ा, लिख सकते हैं ना भाई, मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है, हिंदी को इंग्लिश में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाती, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैंने पकड़ा ऐसा लिख दिया। चलो देखते हैं, मैंने मतलब मैनोजाइलिक वुड इसमें मिलती है, और नेचुरली अगर इसमें मैनोजाइलिक वुड मिलेगी तो पिकनोजाइलिक किसमें मिल जाएगी, पाइनस में। नाउ इसमें पिन्नेट लीव्स मिलती हैं जो कई साल तक रहती हैं, हमने बात की थी, सो पीसे पिन्नेट लीव्स। यू मतलब अनब्रांच्ड स्टेम, तो नेचुरली जो पाइनस और सिड्रस हैं उनमें ब्रांच्ड स्टेम मिल जाएगी, एक याद होगा तो दूसरा बना लोगे आप। नाउ सी मतलब इसमें कोरालॉइड रूट्स मिलती हैं, और अगर इसमें कोरालॉइड रूट्स मिलेंगी अलॉन्ग विद टैप रूट्स तो नेचुरली पाइनस में माइकोराइजा मिल जाएगा। नाउ डी मतलब जो अभी अभी हमने देखा, ये डायोशियस होता है यानी यूनिसेक्सुअल, अलग अलग पेड़ पे मेल और फीमेल कोन्स मिलेंगे तो पाइनस हो जाएगा मोनोइशियस। और ये मैं सिर्फ अभी लिख रही हूं, आर्चिगोनिया जो बनते हैं ना स्टूडेंट्स, वो इनमें एबसेंट होते हैं, अभी बस ध्यान रख लेना। पाइनस में आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है, साइकस में नहीं बनता है। सो दिस इज अ ट्रिक, आप सब कुछ याद रख सकते हो, सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आइए हम समझते हैं। नाउ यहां पे बहुत सारे नए टर्म्स आएंगे, जैसे ओव्यूल, जैसे पोलन ग्रेन, जैसे एंडोस्पर्म, जैसे न्यूसिलस, जैसे इंटेग्यूमेंट, जो अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़े हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल फ्लो चार्ट से आपको समझाऊंगी। सपोज करिए कि ये मेल प्लांट है, ठीक है, ये इसका स्पोरोफाइट है। अब हो सकता है कि ये बायसेक्सुअल प्लांट हो, तो दोनों चीजें एक ही पेड़ पर हो रही होंगी, हम अलग अलग लेकर चल रहे हैं समझने के लिए। और यहां मैंने बना दिया फीमेल प्लांट है स्पोरोफाइट, ठीक है ना, बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल कैसा भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा, राइट, जो पेड़ है जो हमें दिख रहा है सामने आंखों से उसकी बात कर रहे हैं। अब पेड़ के ऊपर पत्तियां होंगी, पत्तियां वो लीव्स जिनमें स्पोरांजिया बनेंगे उन्हें स्पोरोफिल्स कहेंगे। अब हो सकता है एक ही पेड़ पर माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगा स्पोरोफिल्स दोनों हो, या अलग अलग पेड़ पर अलग अलग हो, बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस पेड़ पर सपोज ये मेल है तो इस पे माइक्रोफिल्स हैं, ये क्या होती हैं, लीव्स बियरिंग जिन पर क्या है, माइक्रोस्पोरांजिया, ये तो हम पढ़ चुके हैं टेरिडोफाइट्स में। तो लीव्स भी कैसी होंगी, नेचुरली लीव रूट स्टेम सब कुछ 2n ही होगा, इसको हटाते हैं, ठीक है, सो माइक्रोफिल्स हो गए। ऐसे ही यहां पे क्या हो गया, मेगा फिल्स, मेगा स्पोरोफिल्स या मेगा फिल्स, एक ही बात है, मैं लिख देती हूं मेगा स्पोरोफिल्स और ये माइक्रोस्पोरोफिल्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये भी पत्तियां हैं तो ये नेचुरली ये भी 2n होंगी। अब ये लीव्स जो हैं, अब ध्यान देना, ये खुली हुई अरेंज नहीं होती, ये एग्रीगेट करके कोन बनाती हैं। अब समझो ये जब कोन बनाएंगी, दे एग्रीगेट टू फॉर्म कोन, तो मैं उस कोन को क्या कह सकती हूं, देखिए या तो मैं उसको उस कोन में स्पोरांजिया मिलेंगे तो मैं उसे स्पोरांजिएट कह सकती हूं, ऐसा कोन जिसमें स्पोरांजिया मिलेंगे, तो या तो मैं उसे सिंपल मेल कोन कह दूं या मैं उसे मेल स्ट्रॉबिलस कह दूं, ये तो दो नाम हमें पता ही है, या उसमें माइक्रोस्पोरांजिया मिलेंगे, यही पत्तियां ही तो है वो, तो उन्हें हम माइक्रोस्पोरांजिएट कह सकते हैं, स्पोरांजिया नहीं स्पोरांजिएट, जिस पर स्पोरांजिया मिलेंगे। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि जो यू नो पोलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है, मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, तो ध्यान दीजिए, या जो माइक्रोस्पोरांजिया है उसे ही पोलन सैक कहते हैं, तो क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोरांजिया मिलेगा जिसे पोलन सैक भी कहते हैं, तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि ये ऐसा कोन है जिसमें पोलन सैक बनेगा, माइक्रोस्पोरांजिया मिलेगा, तो मैं इसे पोलन कोन भी तो कह सकती हूं, तो इसका एक और नाम हो गया पोलन कोन। आया समझ में कैसे नामकरण हुए हैं, और नेचुरली ये सब क्या है,
ये इन्हीं लीव्स के एग्रीगेट है, तो ये सब स्ट्रक्चर्स भी डिप्लॉयड होंगे। अब फीमेल्स में क्या सिचुएशन है देखते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। फीमेल्स में भी सेम कहानी होगी, माइक्रोफिल्स एग्रीगेट करेंगे और एग्रीगेट करके कोन बनाएंगे, उसे हम फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलस या इनमें मेगा स्पोरेंजिया मिलेगा, तो इसे हम मेगा स्पोरेंजिएट कह सकते हैं। आ रहा है समझ में? और अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि मेगा स्पोरेंजिया को ही ओव्यूल कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया को ही ओव्यूल कहते हैं, और ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है। तो यानी कि इनमें मेगा स्पोरेंजिया है, यानी ओव्यूल मिल रहे हैं और वही सीड बनाते हैं, तो इन्हें सीड कोन्स भी कहते हैं। ऐसे कोन जिसमें सीड बनेगा, और सीड मतलब ओव्यूल होगा, ओव्यूल मतलब मेगा स्पोरेंजिया का ही दूसरा नाम है। राइट? आ रहा है समझ में? अभी हम सब समराइज करेंगे। तो ये भी कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। इतना हो गया। अब इस कोन के अंदर स्पोरेंजिया मिलेंगे, दिस कोन बियर्स माइक्रो स्पोरेंजिया या मेल स्पोरेंजिया, एक ही बात है, और इन्हें ही हम पोलन सैक कहते हैं। पोलन सैक स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें स्पोर मदर सेल्स होंगे। तो ये भी कैसे हैं अभी तक? डिप्लॉयड है, और इनके अंदर मिलेंगे हमें मदर सेल्स, क्योंकि वो माइक्रोस्पोर बनाएंगे, तो हम उसे माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं, वो मिलेंगे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कैसे हैं? 2n है। फिर इन माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, जिसे हम स्पोरिक मियोसिस कहते हैं, उसके रिजल्टेंट माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं, ये हैप्लॉयड होंगे। यहां से गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होगी। इतना समझ में आया? नाउ सेम कहानी यहां पर होगी। यहां पर इसके अंदर मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और मेगा स्पोरेंजिया जो है स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना, वो कैसा होता है समझो। ओव्यूल क्यों कह रहे हैं उसको? एक्चुअली क्या होता है ये बताओ मुझे, कि मेगा स्पोरेंजिया के अंदर जो भी टिश्यू भरा है वो कैसा होगा? आप कहोगे मैम बहुत सिंपल सी बात है, वो 2n नहीं होगा, डिप्लॉयड होगा। तो कैसा होता है? जैसे ये टिश्यू है, ठीक है, ये पूरा डिप्लॉयड टिश्यू है, इसे न्यूसेलस कहते हैं। ध्यान से सुनना, न्यूसेलस, ये टर्म्स एंजियोस्पर्म्स में भी आएंगे। ये डिप्लॉयड टिश्यू है, ये तो नॉर्मली भी होता है किसी भी मेगास्पोरेंजिया में, चाहे वो हेट्रोस्पोर स्टेरिडोफाइट्स हो, लेकिन इनके चारों तरफ ना इसमें एक कवरिंग मिलती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। एंजियोस्पर्म्स में 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स मिलती है, बट यहां 1 प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हैं। इस कवरिंग को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट, ऑफकोर्स ये भी 2n होगा, सब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं। ये है प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड न्यूसेलस। ये जो मेगा स्पोरेंजिया है, कवर्ड इंटेग्यूमेंटेड, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स ओव्यूल। सो व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया, दिस इज ओव्यूल। आया समझ में? ओव्यूल क्या है? मेगा स्पोरेंजिया ही है जो कवर्ड है, दिस इज ओव्यूल। और इसमें एक ही कवरिंग है, तो ये कैसा है? यूनिटेगमिक ओव्यूल। एंजियोस्पर्म्स में बायटेगमिक मिलेंगे, हम पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो कोई पूछे कि ओव्यूल की प्लॉयडी क्या होगी, तो ओव्यूल तो स्पोरेंजिया है, तो नेचुरली वो भी डिप्लॉयड ही होगा। आया समझ? अब ओव्यूल के अंदर क्या है? अभी मैंने आपको बताया न्यूसेलस और प्रोटेक्टिव कवरिंग। ओव्यूल ही सीड बनेगा, तो ये तो सीड की कवरिंग बना लेगा, सीड कोट, ओवरी नहीं है, फ्रूट नहीं बनेगा, वापस बता देती हूं। अब ये जो न्यूसेलस भरा हुआ है टिश्यू सेल्स, इनमें से सिर्फ एक सेल
काम करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह। नॉर्मली क्या हो रहा था होमोस्पोरस कंडीशन में, स्पोरांजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स होते थे, उनसे बहुत सारे स्पोर्स बनते थे, फिर वो बाहर निकल जाते थे और जर्मिनेट करते थे। यहां पर सिर्फ एक बनेगा मेगास्पोर मदर सेल, एक ओव्यूल के अंदर एक न्यूसेलर सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। यहां ऐसा नहीं हो रहा, यहां तो बहुत सारे मदर सेल्स होंगे, उनसे बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स मेल स्पोर्स बनेंगे। तो यहां पे क्या होगा, देखिए, वन न्यूसेलर सेल, अब न्यूसेलर सेल समझ रहे हो ना, इसके अंदर जो भरा हुआ है कवरिंग के अलावा, वन न्यूसेलर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। अभी भी ये डिप्लॉइड है, ऑफकोर्स ये सब कुछ डिप्लॉइड है, ठीक है। तो ये बन गया मेगास्पोर मदर सेल, फॉर्म्स वन मेगास्पोर मदर सेल। तो एक में एक ही बन रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस होगा, जिसे हम स्पोरिक मियोसिस कहेंगे। तो इससे फोर मेगा स्पोर्स बनेंगे, उसे हम क्या कह सकते हैं, मेगा स्पोर टेट्राड बनेगा, यानी फोर मेगा स्पोर, क्योंकि मियोसिस के बाद तो हमें पता है स्टूडेंट्स हमेशा फोर डॉटर सेल्स ही बनते हैं, हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए। अब ध्यान दो, ये स्पोर्स कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट सेल है गैमेटोफिटिक जनरेशन का। अब कहानी में क्या होगा, थ्री मेगास्पोर्स डीजेनरेट कर जाएंगे, प्लीज नोट, थ्री मेगास्पोर्स डीजेनरेट, फिक्स बात है, होगा ही होगा। तो कितना बचा, एक मेगास्पोर, यानी अब ध्यान दो, एक कोन के अंदर, एक कोन के अंदर बहुत सारी माइक्रो मेगास्पोरोफिल्स है, हर मेगास्पोरोफिल मतलब कोन जो है उसमें एक ओव्यूल बनेगा, और एक ओव्यूल में न्यूसिलस का एक सेल कन्वर्ट होगा मेगास्पोर मदर सेल में, बाकी कन्वर्ट नहीं होगा, और उसमें फोर मेगास्पोर्स बनेंगे, थ्री डीजनरेट हो जाएंगे, तो हमारे पास वन मेगास्पोर मिलेगा फाइनली, वन मेगास्पोर जो हैप्लॉइड है ऑफकोर्स। तो अब सिचुएशन क्या हो गई है, इसके बाद में नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो गई है कि ये इंटेग्यूमेंट तो है और न्यूसिलस भी है, लेकिन न्यूसिलस का एक सेल जो है, ये एक सेल सपोज ये स्पोर मदर सेल की तरह काम करने लग गया है, और ये पूरा अभी भी न्यूसिलस टिश्यू है, ये बाकी सेल्स तो हैं, ठीक है, ये न्यूसिलस है अभी भी, ध्यान से समझो, ये इंटेग्यूमेंट है अभी भी, अभी भी जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये सब डिप्लॉइड है। लेकिन अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो गई है कि इंटेग्यूमेंट है, न्यूसिलस भी है, पर ये स्पोर मदर सेल कन्वर्ट हो गया चार मेगा स्पोर्स में, जिसमें से थ्री तो डीजनरेट कर गए, और अब एक मेगा स्पोर है, ये पूरा अभी भी न्यूसिलर टिश्यू है, आ रहा है समझ, ये पूरा, तो ये अभी भी न्यूसिलस है, ध्यान दीजिए, जो अभी भी डिप्लॉइड है, इंटेग्यूमेंट है, कवरिंग कोटिंग सीड कोट जो बनाएगा ये अभी भी डिप्लॉइड है, लेकिन अब इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, ये सिंगल मेगा स्पोर जो फीमेल स्पोर है, और ये हैप्लॉइड है, इज इट क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन हो गई। अब क्या होगा समझना, अब माइक्रोस, अब यहां पे माइक्रोस्पोर बन गए, यहां मेगा स्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर तो बहुत सारे बनेंगे, मेगा स्पोर वन बनेगा। नाउ ये जो माइक्रोस्पोर है, अब हमें पता है माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके ये मेल गैमेटोफाइट बनाता है, जिसपे मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिसपे मेल गैमेट बनता है, ये सब हम जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, माइक्रोस्पोर्स जो है वो भी स्पोरांजिया को तोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे, वो अंदर ही जर्मिनेट करेंगे। तो सिचुएशन क्या है, ये पेड़ है, पेड़ पर वो कोन लगा है, कोन के अंदर वो पत्तियां हैं, स्पोरोफिल्स हैं, उनके अंदर स्पोरांजिया है, उनमें स्पोर मदर सेल्स हैं, उनमें स्पोर्स बने हैं, और वो स्पोर्स वहीं पर जर्मिनेट कर रहे हैं, अंदर ही जब वो पेड़ पे लगा हुआ है, स्पोरोफाइट पे लगा हुआ है, तभी वो जर्मिनेट कर मेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं। तो मेल गैमेटोफाइट जो है बिल्कुल रिड्यूस स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट्स, फाइव सेल का होता है साइकस में, सिक्स सेल का पाइनस में, एंजियोस्पर्म्स में टू से थ्री सेल स्टेज होता है, बस छोटा सा स्ट्रक्चर। टेरिडोफाइट्स में तो पूरा प्रोथैलस बन रहा था, ध्यान है ना आपको,
कितना मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बन रहा था, यहाँ बिल्कुल रिड्यूस्ड बनता है जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं, उसमें फिर मेल गैमीट्स बनते हैं, दो मेल गैमीट जिसमें से एक डिजेनरेट कर जाता है, हम पढ़ेंगे। आया समझ में? तो अब क्या होगा यहां पर, प्लीज ध्यान दीजिए, माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म, अच्छा एक चीज और लिखते हैं, जर्मिनेट इनसाइड स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया कहिए या पोलन सैक कहिए, अब एक ही बात है, आप जानते हो, अंदर ही डेवलप कर रहे हैं, बाहर निकलकर जमीन पे जाकर नहीं कर रहे हैं। सो माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म हाईली रिड्यूस्ड, बहुत बहुत छोटी सी स्टेज बनाएगा, हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि स्पोर से तो गैमेटोफाइट बनता है हम जानते हैं, मेल गैमेटोफाइट। और ये जो है स्टूडेंट्स, इसे पोलन ग्रेन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, पोलन सैक मतलब स्पोरेंजिया और पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमेटोफाइट। तो पोलन सैक डिप्लॉइड है, जबकि पोलन ग्रेन कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। पोलन ग्रेन इज इक्वल टू मेल गैमेटोफाइट, हाईली रिड्यूस्ड है, कितना रिड्यूस्ड है देखिएगा यहां पर, 5 सेल्ड इन साइकस, 4 to 5 सेल इन साइकस, 6 सेल का केवल इन पाइनस, और एंजियोस्पर्म्स में भी सेम कंडीशन होती है, 2 to 3 सेल होता है केवल, जिसमें से एक एक सेल होते हैं जो इनके पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि यहां पानी नहीं चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, और एक एक सेल जो है वो मेल गैमिट बनाते हैं, दो मेल गैमिट, माइटोसिस होगा, एक से दो मेल गैमिट बनेंगे, एक डिजेनरेट कर जाएगा जिम्नोस्पर्म्स में और एक एग को फर्टिलाइज करेगा। तो यहां पर प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए कि पोलन कोन डिप्लॉइड है, पोलन सैक डिप्लॉइड है, ये स्पोरेंजिया है, पर पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, ये मेल गैमेटोफाइट है जो अभी भी इस स्पोरोफिटिक बॉडी पर लगा हुआ है, यानी कि ये डिपेंडेंट है, प्लीज नोट, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। यही तो हमने लिखा था स्टार्टिंग में कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट स्टेज नहीं है। अब यहां क्या होगा, यहां समझते हैं, यहां पर क्या सिचुएशन बनेगी देखते हैं। चलिए, मैं इसको हटा दूं, ये आपने कर लिया होगा कैसे यहां तक पहुंच गए हैं हम, लास्ट वाला डायग्राम रहने देते हैं क्योंकि उसके आगे की कहानी हम बनाएंगे। अब हमारे पास कहां तक सिचुएशन है, हम यहां से आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे पास 1 मेगास्पोर है अब, राइट, सो आई हैव 1 मेगास्पोर, एक ओव्यूल के अंदर 1 मेगास्पोर है मेरे पास, और मेगास्पोर क्या बनाता है बताओ, ये जर्मिनेट करेगा, ये भी बाहर नहीं जा रहा है, इसका भी इन सिटू जर्मिनेशन है, यानी ये भी उस स्पोरेंजिया के अंदर ही जर्मिनेट करेगा, यही तो सीड हैबिट है। सो इसका इन सिटू जर्मिनेशन, वहां पे भी लिख सकते थे अपन, इन सिटू जर्मिनेशन इनसाइड मेगा स्पोरेंजिया, और क्या लिख सकते हैं मेगा स्पोरेंजिया को, बताइए, मेगा स्पोरेंजिया को ही क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, एक ही बात है, अब समझ आ रहा है। तो इससे क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, सो दिस फॉर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट। अभी तक फर्टिलाइजेशन हुआ है क्या, अभी तो गैमिट ही नहीं बना, सो अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसे ही कहते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज नोट करिए, इसे कहते हैं एंडोस्पर्म। अब बताओ इसकी प्लॉइडी क्या होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्लॉइड ऑफकोर्स। अब देखो, एंजियोस्पर्म्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि एंडोस्पर्म जो है ये ट्रिप्लॉइड होता है 3N, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, बट यहां पर जो एंडोस्पर्म है ये हैप्लॉइड है और ये फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है ये ऐसा रिड्यूस नहीं है, ये मल्टी सेल्यूलर है, राइट, सो इज इट क्लियर। तो एंडोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट को ही एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो अब सिचुएशन क्या बन गई है, आइए नेक्स्ट डायग्राम यहां बनाते हैं, इंटेग्यूमेंट है ये रहा, न्यूसिलर सेल्स भी हैं, पर मेगास्पोर की जगह अब एक मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है, ये देखो ये न्यूसिलस है
और ये बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। ये न्यूसेलर के सेल्स हैं, ये सब डिप्लॉइड है, देख रहे हो ना। चलो देखते हैं, इंटेग्यूमेंट ऑफ कोर्स डिप्लॉइड है, ये तो स्पोरोफाइट बॉडी है। ये न्यूसेलर सेल्स हैं, ये भी स्पोरेंजिया के ही सेल्स हैं, ये भी डिप्लॉइड है। बट ये क्या बन गया है, अब ये मल्टी सेल्यूलर है, ऑफकोर्स बहुत सारे सेल्स होंगे। ये है स्टूडेंट्स एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट, एंड प्लीज नोट दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड। इतना समझ में आया। और ये सब अभी पेड़ पे लगा हुआ है, उस स्पोरोफाइट की बॉडी पर लगे हुए हैं, ये स्पोरेंजिया के अंदर ही सारी कहानी चल रही है। इतना समझ आया। अब क्या होगा, अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल गैमेटोफाइट है, इट बियर्स या इट हैज टू और मोर देन टू आर्चीगोनियम। लेकिन एक बात ध्यान दो, मैं फिर यहां बताती हूं। मैंने आपको बताया ना फीमेल कौन बनता है, लेकिन साइकस में नहीं बनता, एक्सेप्ट इन साइकस। एब्सेंट लिखा था ना, यहां पर फीमेल कौन भी नहीं होता, आर्चीगोनिया भी नहीं बनता, फीमेल कौन भी नहीं बनता, अपन पढ़ेंगे। सो यहां पे क्या होता है, कौन नहीं बन रहा, लेकिन स्पोरोफिल्स तो है ना, उस पर डायरेक्ट स्पोरेंजिया लगे हुए, बस वो कौन नहीं बना रहा, इतना सा अंतर है। अब क्या सिचुएशन है, यहां पर आर्चीगोनिया है, कैसे देखो, ये बना देती हूं मैं, ये दो आर्चीगोनिया बना दी सपोज मैंने, ये क्या है, ये आर्चीगोनिया है यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ध्यान देना, एंजियोस्पर्म्स में आर्चीगोनिया एब्सेंट हो जाएंगे। अब तो आर्चीगोनिया भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि वो किससे बने, गैमेटोफाइट पर है, तो ऑफकोर्स वो भी हैप्लॉइड होंगे, सो दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड। और अब ये आर्चीगोनिया क्या प्रोड्यूस करेगा, हमें पता है एग्स, सो नाउ दे विल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट और एग। जितने आर्चीगोनिया होंगे उतना एग होगा, और उतने वेंटर्स होंगे और उतने एग्स बनेंगे, तो ये एग बन गया। तो एक बात ध्यान रखो कि इसमें न्यूसेलस ओव्यूल एक है, लेकिन उस ओव्यूल में दो या उससे ज्यादा आर्चीगोनिया यानी एग दो या उससे ज्यादा बन सकते हैं एक फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, राइट। अब ये फीमेल गैमीट बन के तैयार हो गया जो हैप्लॉइड है, यानी इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस ओव्यूल ये सब डिप्लॉइड थे, मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड था, पर मेगास्पोर हैप्लॉइड है, उससे बनने वाला एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है, सेक्स ऑर्गन्स भी हैप्लॉइड है, और जो गैमीट बनेगा वो भी हैप्लॉइड है। यहां क्या सिचुएशन चल रही है, इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं, आगे लिखते हैं, कहां लिखूं मैं, यहां से आगे बढ़ाते हैं। पोलन ग्रेन बन गया है ना, चलो इसको हटा दूं मैं एक बार, है ना, इसको हटा देती हूं मैं। अब मेल्स में क्या सिचुएशन है, फीमेल में तो हमने देखा एग बन गया है, मेल में पोलन ग्रेन बना है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट बन गया है पोलन ग्रेन। इसकी स्टोरी अपन आगे लेके जाते हैं। तो हमारे पास पोलन ग्रेन या हाईली रिड्यूस कुछ चंद सेल का मेल गैमेटोफाइट बन गया है। ऑफ कोर्स अगर ये गैमेटोफाइट है तो ये हैप्लॉइड ही होगा। अब ध्यान देना, कायदे से क्या होना चाहिए था, मेल सेक्स ऑर्गन इस पर लगना चाहिए, वो नहीं लगता, इनमें एंथ्रीडिया एब्सेंट होते हैं। प्लीज 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 नोट, एंथ्रीडिया जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं, टोटली कोई भी जिम्नोस्पर्म हो उसमें एंथ्रीडिया एब्सेंट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। फिर क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन है ना स्टूडेंट्स, यही मेल गैमीट्स बनाता है, एक पोलन ग्रेन से दो मेल गैमीट्स बनते हैं, और ऐसे कई सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, राइट। सो दे रिलीज एंड कैरीड टू फीमेल गैमीट बाय विंड, हवा से, इसे विंड पॉलिनेशन कहते हैं, यहां पानी की जरूरत नहीं है, विंड पॉलिनेशन, या इसे प्लीज नोट करिए अनीमोफिली कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स में सिर्फ हवा के थ्रू नहीं, इवन जानवर भी अगर फ्रूट खाएगा तो वो सीड जो है वो कहीं और पहुंच जाएगी, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ हवा के थ्रू,
विंड पॉलिनेशन या एनिमोफिली होगा। और फिर ये जो पोलन ग्रेन है स्टूडेंट्स, उससे दो मेल गैमीट्स बनेंगे, क्योंकि माइटोसिस होगा एक सेल में, तो टू मेल गैमीट्स बनेंगे, जिनमें से वन डी जनरेट कर जाएगा, वन डी जनरेट, राइट, एंड फॉर्म्स पोलन ट्यूब, सॉरी पोलन ट्यूब भी तो बनाएगा ये, तो पोलन ट्यूब के भी कैसी है, हैप्लॉइडी है, ये सब कुछ हैप्लॉइड है, और ये मेल गैमीट्स जो बने ये भी हैप्लॉइड है। तो अब सिचुएशन क्या हो गई है, ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसी डायग्राम को आगे बनाती हूं। यहां पर एग बन गया है, ये एक एग बन गया है, ये एक एग बन गया है। अब सिचुएशन क्या होगी, देखिए ये हम आगे गए, नाउ ये है इंटेग्यूमेंट, ये इसकी ओपनिंग है क्योंकि पोलन ट्यूब अंदर आनी है, ये न्यूसेलस है पूरा, इसमें फीमेल गैमेटोफाइट है ये रहा, इसमें आर्चिगोनिया है जिसने ये एग बना दिया है, आया समझ में, ये एग है राइट, ये न्यूसेलस है, ये इंटेग्यूमेंट है यानी ओव्यूल है, ये पूरा ओव्यूल है, एक्चुअली पूरा ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर हमारा एग है, मैं क्या लिख सकती हूं, एग इनसाइड ओव्यूल, एग इनसाइड ओव्यूल, ये जो पार्ट है जहां से फैलोपियन पोलन ट्यूब अंदर घुसेगी, इसे माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, हो सकता है ये नीचे हो, तो अगर ये नीचे से घुस रही है ऐसे आकर यूं, तो ये नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड हो जाएगा, और ये हो गया चेलाजल एंड। तो अब क्या हो रहा है, कहीं से ये पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब बनाई हुई है, ऐसा है ये पोलन ट्यूब लाइक दिस, इस पोलन ट्यूब में दो मेल गैमीट है, एक डीजनरेट कर जाएगा, तो एक ये रहा, और ये मेल गैमीट जो है, अब ये पोलन ट्यूब ऐसे आएगी, ये आई और ये ऐसे घुसी लाइक दिस, ये मेल गैमीट यहां पहुंचा, अब इनका फर्टिलाइजेशन होगा और यहां जाइगोट बन जाएगा, सो नाउ देयर विल बी फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब के थ्रू हुआ है, तो उसे साइफोनोगैमी कहते हैं, साइफोनोगैमी दैट मींस थ्रू या बाय पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। हालांकि कुछ लोअर जिम्नोस्पर्म्स में स्टूडेंट्स अभी भी थोड़ा पानी की जरूरत पड़ती है, बट मेनली साइफोनोगैमी होती है, एंजियोस्पर्म्स में भी यही होती है। और अब क्या हुआ है, जाइगोट फॉर्म्ड इनसाइड ओव्यूल, अभी भी ओव्यूल लगा हुआ है स्पोरोफाइट पर, अभी भी मेगा स्पोरेंजिया लगा हुआ है, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, ये जाइगोट जो है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, यहां पर प्लीज नोट मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होगा, जो हायर वाला है मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। और अब फाइनली क्या सिचुएशन हो गई है स्टूडेंट्स, अब ओव्यूल बन जाएगा सीड विथ सीड कोट विथ एम्ब्रियो इनसाइड, बन गया बीज, यही तो होता है सीड जिसके अंदर एम्ब्रियो हो, ये बन गया वो, इसको नोट करिए एक बार। सो स्टूडेंट्स इसकी लाइफ साइकिल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, बट मुझे आपको क्या समझाना था, एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर रही हूं, हो सकता है मेल और फीमेल दोनों कोन्स एक ही प्लांट पर हो या दोनों अलग अलग पर हो, लेकिन दोनों ही जो कोन्स हैं वो किसके बने, स्पोरोफिल्स के बने हुए, पत्तियां हैं वो कोन बना लेंगी, साइकस में कोन नहीं बनता। हालांकि फिर कोन बनने के बाद में क्या होगा, उसके अंदर वो पत्तियां हैं, उनमें स्पोरेंजिया है माइक्रोमेगा, उनके अंदर क्या है, ये माइक्रोमेगा स्पोरेंजिया क्या है, मेल वाले को हमने पोलन सैक कहा है और फीमेल वाले को ही ओव्यूल कहा है, प्लीज नोट। इसके बाद में इसके अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल्स हैं। अब ध्यान देना, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें कई सारे स्पोर मदर सेल्स हैं, जो मियोसिस करेंगे कई सारे स्पोर्स बनाएंगे जो मेल स्पोर्स हैं, और वो मेल स्पोर्स जो होंगे वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, जो हाईली रिड्यूस्ड है लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स वाला है, उसे ही हमने पोलन ग्रेन कहा है। तो पोलन ग्रेन क्या है, वो मेल गैमेटोफाइट है, वो हैप्लॉइड स्टेज है, और एंथ्रीडिया सेक्स ऑर्गन नहीं है, वही जो पोलन ग्रेन है वो हवा से दूर जाएगा, फिर वो किसी और जो फीमेल कोन है उसके अंदर घुसेगा,
और उसके ओव्यूल के अंदर घुसेगा और माइक्रोपाइलर एंड से, और घुसकर वो ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के अंदर वो जो लिमिटेड सेल्स है उनमें से एक सेल माइटोसिस के थ्रू दो मेल गैमिट्स बनाएगा, एक डीजनरेट कर जाएगा, एक मेल गैमिट रहेगा। इधर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मेगा स्पोरेंजिया ही ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो न्यूसिलस टिश्यू भरा हुआ है डिप्लॉइड, उसमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, जिससे फोर मियोस्पोर्स बनेंगे, बट तीन डीजनरेट कर जाएंगे तो वन मेगास्पोर बनेगा। वो वन मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिस पर आर्चीगोनिया होंगे, और आर्चीगोनिया में एग होगा, उसी एग के पास ये मेल गैमिट आके फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर है। ये सब कुछ कब हो रहा है, जबकि ये गैमेटोफाइट, देखो कितने छोटे छोटे गैमेटोफाइट हैं, पोलन ग्रेन छोटा सा गैमेटोफाइट है मेल का, हार्डली 5-6 सेल का, और फीमेल्स में भी जो गैमेटोफाइट है वो बिल्कुल छोटा सा है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसकी नहीं है, और वो तुरंत फिर जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, यानी स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया, पेड़ पर लगा लगा ही, यही तो सीड हैबिट है, यही तो बीज बन रहा है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आपकी ड्यूटी है कि आप आज जाकर एनसीईआरटी की इन लाइंस को रीड करना, अब आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और एक जगह लिख लेना कि मेल फीमेल स्पोरेंजिया का क्या नाम है, और मेल फीमेल गैमिट का क्या, गैमेटोफाइट का क्या नाम है, और किसकी क्या प्लॉयडी होगी, राइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसे ही हमने एंडोस्पर्म कहा है, एंजियोस्पर्म्स में कुछ और चीज़ को हम एंडोस्पर्म कहेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी लाइफ साइकिल और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।